जनपद में लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन बेहतर कार्य कर रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और महानगर के जो रैन बसेरे हैं उनको भी क्रियाशील रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो वह रैन बसेरों में रह सकता है। वहां पर नागरिकों से रहने व पानी की व्यवस्था है, वहां पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक अभियान चल रहा है, वहाँ आशा वर्कर लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जनपद में बढ़ते तापमान को लेकर जिला प्रशासन किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जनपद जो नगरी क्षेत्र में जो हमारे रैन बसेरे संचालित होते हैं उनको भी क्रियाशील रखा गया है। यदि कोई भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो रैन बसेरों में शेल्टर ले सकता है। वहाँ समुचित प्याव इत्यादि की व्यवस्थाएँ हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 की व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर, तो अपने आप को आदमी वहाँ पर रख सकता है, सुरक्षित रह सकता है। साथ ही ग्रामीण अंचल में भी युद्ध स्तर पर जो हमारा जो दस्तक अभियान चल रहा है, दस्तक अभियान के अंतर्गत भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए वो भी एक विशेष बिंदु के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे जो हमारी जो आशा बहनें हैं जो क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं जो क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, वो लगातार जन समुदाय को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने की व्यवस्थाएँ लोग करें। और जो पीक आवर है, जो 12 से 3 का जो पीक आवर है, उसमें कोशिश करें कि घरों से बाहर लोग ना निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें।